एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आर आइसोस्टर। अब लास्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में का है और इसको कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ये क्लियर कर लो फिर ऑलमोस्ट हो गया। छोटे मोटे लॉज बाकी है और कुछ थ्योरी के पॉइंट बाकी है, तो अपन जब एनसीईआरटी बुक का रीडिंग कल से लेंगे तो उसके अंदर रीडिंग के साथ साथ एमसीक्यूज भी लेंगे। तो मैं दो यहाँ पे पीडीएफ ओपन करूँगा, एक एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ और अपन एमसीक्यूज भी लेंगे साइमल्टेनियसली। तो अभी आज का पांचवा लेक्चर है, तो अगले तीन लेक्चर के अंदर तो रीडिंग प्लस एमसीक्यूज हो जाएंगे अपना, क्योंकि जो मेन कंसेप्ट था आपका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिमिटिंग एक्सेस रिएजन मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी 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 का एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो अपने बुक के अंदर है एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन को भी क्लियर करें और कुछ एक्सरसाइज में के क्वेश्चन एंड उस पर से अगर एमसीक्यू बनता है तो अपना पाँचवा लेक्चर है मतलब, और तीन चार पाँच भी पकड़ ले तो बहुत हो गया। अपन ने 10 लेक्चर बोले थे, वैसे 8 बोला था मैंने, पर एक लेक्चर अपने बायोफिजिक्स में गया था आधा, ठीक है। और पहला चैप्टर करके अपन इसको थोड़ा स्लोली लेके अदर देन मोल कंसेप्ट भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन इसमें। अरे मुँह से बोला करो ना भाई। तो वैसे 8 दिन के हिसाब से तो मैं आपको 8-10 दिन के हिसाब से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, और कुछ आगे ऐसे स्पेशल चैप्टर्स हैं कि जिनके अंदर मेरे खुद के पर्सनल बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हुए, वो आप अदरली मतलब अदर साइड पढ़ें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और ट्रिक्स से पढ़ें वो जल्दी भी पढ़ेंगे और ध्यान में भी रहेंगे, है ना, खासतौर पर फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स। तो अब लास्ट वाला जो पॉइंट है एवरेज एटॉमिक मास, देखो एवरेज का मतलब ही क्या होता है एवरेज, अरे यार एवरेज का मतलब क्या होगा भाई, क्या लगता है मानो क्या होगा एवरेज का मतलब, एवरेज होगा पर ये वो एवरेज नहीं है जो गाड़ी का एवरेज होता है करते तो। एवरेज एटॉमिक मास जिसको एवरेज एटॉमिक वेट ये निकाला जाता है एलिमेंट के आइसोटोप के परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस पर से, एलिमेंट के आइसोटोप के परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस पर से। जैसे बहुत बेस्ट एग्जांपल लेंगे 17 Cl 35। ये क्वेश्चन पर अपन 2-3 एमसीक्यूज लेंगे तो अपने 100 एमसीक्यूज के अंदर, जो अगले संडे टेस्ट होगा उस पर भी इस आर्टिकल पे क्वेश्चन आएगा, है ना, और पेपर में भी क्वेश्चन आने जैसे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ। बट इसके अंदर ना क्या है एनसीईआरटी बुक में बहुत ज़्यादा लॉन्ग तरीके से बताया हुआ। देखो 17 Cl 35 और 17 Cl 37 इनको एक दूसरे का क्या कहेंगे अपन, वाई दे आर कॉल्ड सो, बिकॉज दे आर सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड आइसो टोप्स। अब देखो ये आइसोटोप है, ये पहले क्लोरीन के आइसोटोप का इसका खुद का इंडिविजुअल एटॉमिक मास, इसका खुद का इंडिविजुअल एटॉमिक मास वो उसके एटॉमिक मास नंबर के आसपास रहता, मतलब कितना रहेगा 35 के, जो 35 उसका इस आइसोटोप का खुद का मास उसके एटॉमिक मास नंबर के आसपास रहेगा। तो 35.00 समथिंग या 34.99 समथिंग, तो जो भी लेना ले लो, क्योंकि वैसे भी अपन उसको छोड़ने वाले हैं, वो सिर्फ गम्मत है ना, समझ में आ रहा है, तो ले लो क्या ले रहे 35.001 इधर 37 है तो इसका लेंगे अपन 36.995, ये ले लिए। तो आइसोटोप के इंडिविजुअल एटॉमिक मास को कंप्लीटली बायपास मारना है, जबकि एनसीईआरटी बुक में इसी से कैलकुलेशन करके दिखाए हुए। एक बात बताओ, किसी चीज को आप 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 35.001 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको अच्छा कब लगेगा, मतलब इजी लगेगा ना, इजी लगा तो अच्छा लगता है बच्चों को, बस वही। तो अगर कोई आइसोटोप का इंडिविजुअल एटॉमिक मास दिया तो उसको अवॉइड करना है, उसके जगह हम किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके एटॉमिक मास नंबर का। अरे समझ में आ रहा है। अब अगला पॉइंट है इसका परसेंटेज ऑकरेंस, वो दिया हुआ है 75% इज टू 25%, 75% इज टू 25% ये दिया हुआ परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस।
तो जो परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस है, अब जो इसको तो अवॉइड कर डाले, इसका तो काम ही नहीं, दोनों दोनों सेम ही। अब बचा इसका एटॉमिक मास नंबर से इसका परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है। अब 75/25 से आसान क्या होगा, 3:1। तो ये जो परसेंटेज है ना, इसको भी अपन बाईपास मार लेंगे, 3:1। बस अब आपको क्या करना है, 35 से इसको मल्टीप्लाई करना है और 37 से इसको मल्टीप्लाई करना है अपॉन इसका सम करना है। ये जो आएगा उसको एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन करेंगे, चलो बोलो, 35 × 3 + 37 × 1 / 3 + 1 = 142/4 35.5। इसलिए क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट जो है वो कितना आएगा, 35.5। अब एक बात बताओ, क्या अपन ने पहले दिन देखे थे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, कार्बन नाइट्रोजन, या तो अपने आज भी एलिमेंट छूट गए, आज तो लेंगे पक्के में एलिमेंट, क्योंकि अपने 34 पे गाड़ी अटकी हुई अभी है ना, 34 पे गाड़ी अटके ना अभी अपने, हाँ तो 34 के आगे बढ़ना जरूरी है। तो आज अपन जाते थे एलिमेंट पढ़ेंगे, तो बेटा ये 35 × 3 + 37 × 1 / 3 + 1 तो व्हाट दैट इज 142/4 दैट इज 35.5। अरे आपको किसने पूछा क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 है, तो क्यों है, तो उसका आंसर ये है, क्लोरीन के जो एटम होते हैं उसके दो आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं 35 37। अगर आपके पास में एक बॉक्स दिया जाए उसमें क्लोरीन के 100 एटम डाले जाए तो 35 वाले एटम उसके अंदर 75 रहेंगे, 37 वाले 25 रहेंगे। अब आप 35 वाले का वेट अलग रहेगा और 37 वाले का वेट अलग रहेगा, तो ओवरऑल क्लोरीन का एवरेज वेट क्या रहेगा, तो उसका मीन निकाला जाएगा। तो उसका किस तरीके से मीन निकालते हैं, तो उसके एटॉमिक वेट से उसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे के एटॉमिक वेट से उसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे। बट चूंकि उनका जो एटॉमिक मास है ना कि एटॉमिक वेट है, इट इज़ वेरी क्लोज टू देयर एटॉमिक मास नंबर विच इज अ होल नंबर। तो अब हालांकि मल्टीप्लीकेशन क्या करना था पता है क्या आपको, 35.001 × 25 + 36.995 × 25 / 75 + 25। तो ये तो बेवकूफ धंधे ना, ओवरऑल आंसर क्लोरीन का 35.5 है। तो इस तरीके से ये अपन इनको अवॉइड कर ले, मतलब आपको किसको अवॉइड करना है, आइसोटोप के इंडिविजुअल एटॉमिक मास को अवॉइड करना है। अरे समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. अब समझो मान लो ये एक्स के दो आइसोटोप है, एक का एटॉमिक मास नंबर है 65 और दूसरे का है 67 और इनका परसेंटेज है 25% × 75%। तो सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले कह देंगे इसको 1:3। और अगर इसका इसका खुद का इंडिविजुअल एटॉमिक मास दिया रहता तो कितना रहता, अरे बैलो उसका रहता हो 65 के आसपास, तो 64.99195.002 ऐसे रहता, गम्मत गम्मत आपने चेक कर लेना कोई भी बुक के अंदर, तो उसका काम ही नहीं करने का अपनों को, उसके इंडिविजुअल एटॉमिक मास का नहीं काम करना, अपनों काम किसका पड़ेगा, उसके खुद के एटॉमिक मास नंबर का। तो 65 × 1 + 67 × 3 / 1 + 3 इट इज 66.5 उसका जो मीन आएगा। तो अरे समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसका क्या आएगा, एवरेज एटॉमिक मास। अरे समझ में आ रहा है? तो ये एवरेज एटॉमिक मास रहेगा। ये इस पर एक उल्टा क्वेश्चन बताता हूँ, समझो अगर आपको मान लो कि ये बोला जाए कि क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, ठीक है, और उसका आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया जाए, एवरेज एटॉमिक मास दिया जाए, मतलब आपको क्या दिया रहेगा फिर, एट दैट टाइम वी हैव टू गिव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अरे अभी अपने निकाले कि नहीं, ये समझो ये दिया हुआ रहता, तो फिर आपको क्या पूछेंगे, उसका परसेंटेज। तो एट द टाइम पहले का परसेंटेज कितना लेंगे अपन, एक्स, और दूसरे का क्या लेंगे, 100 - x। मैं क्वेश्चन समझा के जरूर, जरा देखो, आपको बोले क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये क्लोरीन के दो आइसोटोप है, इनके इंडिविजुअल मासेस आपको दिए हुए रहेंगे जिसका काम नहीं है,
अभी समझाएगा दीदी, क्योंकि वैसे भी उनके उनके खुद के जो इंडिविजुअल एटॉमिक मास रहेंगे वो उनके एटॉमिक मास नंबर के आसपास रहेंगे, तो हमको वो ना लेके डायरेक्ट क्या लेना है, उनका एटॉमिक मास नंबर, और आपको इनका इसका एवरेज एटॉमिक वेट दिया गया 35.5 जो अपन ने यहाँ पे निकाले, ये दिया हुआ है। तो फिर क्या पूछेंगे आपको, उनका परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस, तो एट द टाइम इसका परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस कितना लेंगे अपन, एक्स, और इसका कितना लेंगे रे, 100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के 100 भरता। फिर क्या करेंगे, 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, एक्स एक्स गेट 100, तो ये तो होगा राइट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, 35.5। अब एक्स को एक साइड रख के बाकी सब सॉल्व करो तो सीट भरना, एक्स निकल जाएगा आपका, एक्स कितना भर जाएगा, 25%, एक्स कितना भरेगा। एक बात बताओ, ये समझ में आएगा क्वेश्चन ये? अब कल इसके आगे की जो कहानी है, जैसा एवरेज एटॉमिक मास तो अपना निपट गया, आइसोटोप ये सब निपट गए, कल छुट्टी रहेगा संडे, परसों के दिन 6:15 आपका बैच स्टार्ट होगा 6:15 को, और जस्ट लिसन, ये 15 मिनट का टाइम दिया जा रहा है बच्चों के लिए, ताकि वो जो अदर अदर क्लास से दूर दूर से आते भागते दौड़ते, तो कोई एक्सीडेंट फैक्सीडेंट ना करे, खुद का भी ना करे, किसी और का भी ना करे, ठीक है ना, ये आपका हो गया था परसों कल ना शायद से, तो ऐसा ना करे और आराम से आए, 6:15 से अपन 8 बजे तक खेलेंगे आपके बैच का। वैसे भी 4-5 दिन 5-6 दिन की बात है, फिर आपका फिजिक्स बायोलॉजी अपने आप स्टार्ट होगा। अभी मैं केमिस्ट्री की वजह से आपका फिजिक्स बायो को नुकसान नहीं करना चाहता, अगर आपका केमिस्ट्री का टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा और आपके सर लोग जानबूझ के टाइम को ओवरलैप कर रहे, तो फिर आपको जो ठीक लगता है वो करिए, क्योंकि ये बैच तो कंटिन्यू चलेंगे, चाहे 300 बच्चे आओ कि 30 बच्चे आओ, और हम में दम है तो जो बच्चे आ रहे उनमें से रिजल्ट बना के दिखाएंगे, नहीं तो फिर खुद ही अपन क्या कर लेंगे, रिजाइन कर देंगे अगले साल से, फिर अगर नहीं जमता तो फिर को दूसरे धंधे करेंगे। वैसे भी बहुत कुछ सीख के आए अपन, मजा आ रहा है, और बहुत अच्छी अच्छी गैंग भी बन गई, पर मैं सोच रहा पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, है ना। तो एक ये हो गया, दूसरा ये कि हाँ, अगर जैसे आपका 2 दिन पहले SK सर और DK सर ने लेक्चर लिए थे, कोई भी टीचर के लिए बहुत मुश्किल है 30 मिनट के अंदर अलग अलग वेराइटीज ऑफ बच्चों के माइंड को अपने से जोड़ पाना, फिर भी अगर 30 मिनट के अंदर उन्होंने कोशिश करे, तो मैंने ये बहुत सोच समझ के ही इन टीचर्स का सिलेक्शन करे हुए, क्योंकि यहाँ से लेकर अगले 7-8 महीने अपने क्लास के ऊपर 2024 के बैच के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन होंगी। फिर वो क्या होगा, जैसे जैसे इनकी बैच आगे बढ़ेंगी, अपने यहाँ का बैच आगे बढ़ेगा, बच्चों के बहुत सारे चैप्टर्स जब क्लियर होंगे फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिर उनको लगेगा अरे नहीं नहीं यार ये अच्छा हो रहा, पर क्या होता है फिर जो हो चुका वो तो होना नहीं है। तो जब आपका बैच स्टार्ट होगा तो मैं पहले 2-3 दिन आपको बैठने का चांस दूंगा, तो 2-3 दिन आपने आपकी क्लास को ऑफ करके बैठ गए तो कम से कम आपको डालडे और घी में का फर्क समझ में आएगा, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। फिर आगे आपकी, वैसे भी आपको अपसेंट तो रहती है क्लास, पैसे तो नहीं कि 100% प्रेजेंट रहते हैं, रह के भी क्या कर लेते हैं आप, मतलब आपको तो पता है। तो बेटा 2-3 दिन जब मैं बैच स्टार्ट करूँगा तो एटलीस्ट खुद के सेल्फ एनालिसिस के लिए, कि हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड ऑल चैप्टर एक जैसे होंगे, तो मुझे जैसा बायोलॉजी तो ऐसा है कि कोई भी कहीं भी किधर से पढ़ लेता पढ़ा लेता, पर मेन डिसाइडिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, और फिजिक्स पे तो मैं बहुत चैलेंज के साथ SK सर का गारंटी दूंगा आपको, अब आपको ज़्यादा नहीं 3 दिन के अंदर समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे जो पहले सर लोग थे फिजिक्स के वो बाद में जुड़ेंगे तब जुड़ेंगे, पर इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला इंसान भी मैं ही हूँ, समझ में आ रहा। तो जब हम कुछ ला सकते हैं तो कुछ और भी ला सकते फिर, तो एडेनर आपने 1 साल के अंदर देखा होगा है ना, 13 महीने के बाद अपना क्लास तोड़ा, 13 महीने में आपको खुद को भी केमिस्ट्री का भी बाहर सोल्यूशन नहीं मिला, जबकि 13 महीने बहुत ज़्यादा समय था। मुझे बहुत सारे लोग बोलते यार इतने पागल लोग बोले बाहर के 13 महीने के अंदर, तो अभी तक केमिस्ट्री का सोल्यूशन निकाल लेना था इन्होंने बोले, जब अपन ने बाहर आया बाद में 1 महीने में निकाल लेंगे फिजिक्स बायोलॉजी का सोल्यूशन, सोचना आराम से करते हैं ठीक। बेटा लाइब्रेरी शुरू रहेंगी कल, मतलब जो बच्चे पढ़ने के लिए उनको बैठने की परमिशन है लाइब्रेरी में, बाद में देखेंगे अगले हफ्ते में क्या करेंगे लाइब्रेरी, पर अभी तो लाइब्रेरी शुरू है, कल भी शुरू है, कल ऑफिस भी शुरू है, लाइब्रेरी भी शुरू है, सिर्फ कल आपका लेक्चर नहीं रहेगा, मंडे के दिन आते वक्त
एनसीईआरटी बुक साथ में लेके आना, और मैं मंडे के दिन आपको क्वेश्चन पेपर का डीपीपी दूंगा, आप सब बच्चों जेरोक्स मिलेगी, तो आपके पास ही क्वेश्चन पेपर रहेंगे, मतलब कोई एमसीक्यूज रहेंगे, 25-25 करके क्वेश्चन दूंगा मैं। अरे समझ में आ रहा है? तो जब अपन बोर्ड पर समझेंगे उसकी हार्ड कॉपी आपके पास में भी रहेंगी, बस उसकी फाइल बना के अच्छे से रखो। जस अरे एलिमेंट तरुक भाई जरूर, पर आज के दो एलिमेंट अपने ब्रोमीन और क्रिप्टॉन है, पर इसके पहले मैं हाइड्रोजन बोलूँगा आपको, हीलियम से शुरू करना है। हाइड्रोजन गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन क्रिप्टॉन। और एक बात सुनो अच्छे से, अभी आपके 5 दिन हो गए अभी तक कि मैंने मेरे कोई रूल्स और रेगुलेशन लगाए नहीं क्लास के अंदर। एक छोटा सा रूल रहेगा अपना, अगर मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा पढ़े नहीं कर रहा या क्लास में अदर स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर रहा, तो मैं उसको सिंपली इतने बोलूँगा आप क्लास से जा सकते हो, मुझे कोई मतलब दूसरी और कोई इश्यूज क्रिएट करना नहीं है, मारपीट धूम धड़ाका करना नहीं है, ना किसको गाली गलौज करना है, भला बुरा बोलना है। तो जिनको लगता सच्ची अपन पढ़ सकते तो क्लास में आइए, जिसको लगता अपन पढ़ नहीं सकते सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए मत आइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लास में 200 बच्चे बैठे, 300 बैठे, कि 20 बैठे, कि 50 बैठे, जो बैठेंगे जो आखिर तक अटेंड करेंगे वो उनकी काबिलियत के हिसाब से मार्क्स लेंगे, साथ में अपन कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि बच्चा समझो 60% 70% का है और वो 650 नंबर ले ले, तो ऐसा हो सकता, सिर्फ वो बच्चे ने एक जैसी मेंटेलिटी 11 महीने रखना, पर आप ऐसा नहीं रखते, आप सिर्फ एक दिन वो जज्बात में आके पढ़ते, एक हफ्ता बिल्कुल पढ़े से गायब हो जाते, ये बिल्कुल दिमाग से निकालते रहो कि 95-98 रहे तो ये आप 700 नंबर क्रॉस करेंगे, 600 नंबर क्रॉस करेंगे, आप 60-70% के बाद डिपेंड ये करता है कि आप जो आज क्लास में पढ़ रहे हैं आपको समझ रहा है, अरे समझ रहा तो आप इसको घर पे आके पढ़िए, कल इसका आगे का समझिए, फिर परसों उसका आगे का समझिए, और ये मोमेंटम बहुत बढ़ते आता आगे आगे, तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव किक मारना पड़ेगी खुद के लिए, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप जहाँ थे वहीं पढ़े रहेंगे, फिर अगले साल रिपीट करेंगे और रिपीट करेंगे, ज़िंदगी भर भी रिपीट कर लेना अपने, तब भी आपका नंबर नहीं लगता, क्योंकि आप वो तरीके से पढ़ी ले जो तरीके से रिजल्ट आता, तो वो एक ही बार पढ़ो या तो ज़िंदगी भर पढ़ते पढ़ो, अब पैसे भी जाते घर वालों के और आपका समय भी जाता, तो आखिर में बेवकूफ़ कौन है, आप खुद सोचो। तो 11 महीने का काम है, या उलट आप लकी है कि आपने एक साल तक एंजॉय कर लिए, अब 11 महीने पढ़ी कर लो अच्छे से, फिर बात लाइफ और अच्छी सी। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो अपने एक साल में कुछ नहीं करे ये सोचना नहीं है, ये अभी 11 महीने में अपन कितना ज़्यादा कर सकते इस पर सोचना है। तो ये जो पूरे PDF नोट्स हैं आपके पास में, आपके मोबाइल में, सब आपको मोबाइल पे डाली जा रही, सब बच्चा अगर हार्ड वर्क वाला स्टूडेंट है तो इसे एक रजिस्टर लेना, वो PDF ओपन करना, उस पर से खुद के ऐसे नोट्स अपने हिसाब से बना लेना। हालांकि ये काम मैं क्लास में भी करवा के दे सकता था अगर अपन 2 साल पढ़ते थे तो, पर अभी 2 साल का समय नहीं है, तो कुछ चीज़ें अपने घर पर करना। इसको कहते हैं स्टूडेंट का रियल कोऑपरेशन, कि वो घर पे आके अपने नोट्स बना रहा, उस पर से पॉइंट को मेंशन करके पढ़ रहा, फिर जब मैं परसों क्वेश्चन दूंगा आपको तो मैं आपको डायरेक्ट एक एक पेज के सबको शीट देने वाला हूँ, है ना, आपको कोई जेरॉक्स करना नहीं है, पैसे भी खर्चा करना नहीं है। फिर अपन जब क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन आपके पास में रहेगा, अगर मैं उसमें कुछ पॉइंट समझा के दूंगा तो वो क्वेश्चन अपने हाथों हाथ भी टिक करते चल रहा। तो कुछ चीज़ें अपन क्लास के अंदर भी वर्क करेंगे, ऐसे नहीं कि पूरी चीज़ें PDF पर ही रहेंगी करके, और कुछ चीज़ें प्योरली PDF पर से रहेंगी, और बाद में NCERT साथ में ओपन भी करके चल रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? Yes, कल देखेंगे। यस बेटा, गर्ल्स जाएंगे पहले 1 by 1, फिर बॉयज़।